आज हमारे साथ शाया शान जी जो मौजूद है हमारे पास, इन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन की स्टूडेंट विंग को ज्वाइन किया। हम इनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी हैं, ज्वाइन मतलब बहुत सारी पार्टियां देखी हैं, वो तो वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन खड़े नहीं होते। इस बार मैंने सोचा मैं खुद ज्वाइन करके देख लेती हूँ और मैं यूथ के अपनी मतलब यूथ की अपनी यूथ के लिए खड़े होती हूँ खुद और खुद लड़ूंगी। जैसे मैं स्टूडेंट्स इशू को ले लो, जैसे मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ और हमारे गाँव में जो फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, हम एजुकेशन लेने के लिए हमें बाहर आना पड़ता है। क्यों? अगर वो फैसिलिटी हमें हम अपने गांव में प्रोवाइड होगी तो हम क्यों आएंगे अपना घर छोड़ के बाहर पढ़ने। इसलिए हमें अपने वहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ स्टूडेंट इशू, हमारे वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, स्कूल इशूज़ हैं और भी बहुत सारे मेजर इशू हैं जिनके बारे में हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई पार्टी मिली नहीं। तो मैंने सोचा, मेरे को बताया भी गया इस सब के बारे में, मैंने सोचा कि मैं खुद, मैंने सुना भी है इस पार्टी के जो प्रवक्ता जो भी प्रेसिडेंट वगैरह है लाल सिंह जी, उनके बारे में मैंने सुना भी है जब वो थे तो कैसा था, अब तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँ अभी। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, स्टूडेंट विंग में ज्वाइन किया। मैं स्टूडेंट्स के इशू के लिए भी खड़े होऊंगी।